आपके अपने यूट्यूब चैनल विभाग सारी क्लास में आपका स्वागत है। आपका दोस्तों आपका 11 अप्रैल को कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का पेपर है लगातार, मैं इसलिए आपको तैयारी करा रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको दो अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न की वीडियो डाल दी, अभी तक नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम तीन अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ओके दोस्तों, एक एक यूनिट में अपन चलेंगे और देखेंगे आपके तीन अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो आपका अगर देखें तो ब्लू प्रिंट के हिसाब से आपको क्या है, आपकी क्या है, पांच टोटल यूनिट है आपकी। ओके, तो इसमें क्या है, ऊपर की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट में आपका क्या है, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आने, लेकिन पांचवीं यूनिट में नहीं आने। ओके, और टोटल आपके क्या है, आपकी बुक में 22 अध्याय है। ओके, 22 अध्याय है, जिसमें से आपका अगर आपका क्या है, अध्याय 16 तक आपका क्या है, चौथी यूनिट होती है, अध्याय 17 से आपका क्या है, 15 यूनिट समाप्त हो जाती है। तो मैं आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 16 तक क्रम से आपको एक एक क्या है आपको अध्याय में ले जाऊंगा, उसमें जो जो तीन अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे मैं आपको टिक लगवा दूंगा। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। पहला अध्याय आता है जीव जगत में विविधता। ओके ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका जीव जगत का वर्गीकरण, इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है मोनेरा एवं प्रोटिस्टा में कोई तीन अंतर आपको बताना है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट में दोस्तों देख लेते हैं, नेक्स्ट है आपका पादप एवं जंतु कोशिका में कोई तीन अंतर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन दोबारा अपन को एक बार मिलेगा। ओके, कोशिका वाले चैप्टर में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे आप ये याद करें चाहे वहाँ से याद करें। ओके, आपको वही याद करना पड़ेगा, अच्छे से तैयार कर लिए। पादप और जंतु कोशिका में अंतर प्रीवियस ही पेपर में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है आपका अध्याय 3 वनस्पति जगत। ओके, या पादप जगत, इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है शैवालों के प्रमुख तीन लक्षण। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर पेपर आ चुका है। शैवालों के तीन प्रमुख लक्षण आपको तैयार करने। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है लीवर वर्ट व मास में कोई तीन अंतर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, अच्छे से दोस्तों आपको तैयार करना है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। आगे देख लेते हैं। ओके, तो आगे आपका आपको दोस्तों तैयार करना है, आगे एक बीज व द्विबीजपत्री पौधों में कोई तीन अंतर लिखिए। इसमें कोई भी आपको तीन अंतर तैयार कर लेना है, इनका सॉल्यूशन है, फास्ट इंस्टॉल लीजिए। टेलीग्राम पर मैंने क्या है पीडीएफ अपलोड कर ली है, कर दी है। ओके, तो वहाँ के जाकर आप देख डाउनलोड कर लीजिएगा और क्या है पूरी अच्छे से तैयारी करिएगा। जो मैं आपको टिकला रहा हूँ आपको वहाँ से तैयार कर लेना है। ओके, पीडीएफ देखते ही देखते, क्योंकि आपको क्या है हर क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट आप लेने में आपको दिक्कत होगी। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है जिम्नोस्पर्म में या आवर्त बीजीय और अनावर्त बीजीय में क्या है आपको अंतर तैयार कर लेना है, तो उसका भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए। आई होप आपने देख लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को फुल क्वालिटी में करके देखें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं आपकी वार्षिक परीक्षा में पेपर तो आपकी सहायता कर ही रहा हूं, आगे आपकी कक्षा 12 में भी आपको सहायता कर सकोगे। आगे नेक्स्ट अध्याय आता है अध्याय 4 प्राणी जगत। ओके, प्राणी जगत में भी देख लेते हैं आपको तीन नंबर में आपको कौन से तैयार करना है। तो उसमें आपको तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर ये भी आ चुका है, पिछले साल के पेपर में था, कहा है आपका कार्डेटस और नॉन कार्डेटस में तीन अंतर लिखिए। तो ये आपका अंतर दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट अध्याय आ जाता है आपका पुष्पीय। ओके, पुष्पीय पादपों की आकारिता, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है, इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है सासीमाची व असीमाची पुष्प क्रम में कोई तीन अंतर लिखिए, ये वाला आपको तैयार कर लेना है। तो उसका क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए, बहुत ही ज़्यादा ये आपका इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्क्रीन शॉट आप ले लिया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपको तैयार करना है एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लास 10th में भी आता है, क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। ओके, और बहुत हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है, पेपर में आता रहता है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करके जाइएगा इस डायग्राम को। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है सोलेनेसी कुल के तीन प्रमुख लक्षण, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार करना है सोलेनेसी कुल के प्रमुख तीन लक्षण। ओके, स्क्रीन शॉट आप इसका फास्ट ही आप इसका भी ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है अध्याय 6 पुष्पी पादपों का शरीर। ओके, इसमें भी देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपको तैयार करना है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने में कोई तीन अंतर लिखिए। ओके, अब इसमें देखिए तीन अंतर है, एक आपको मिलेगा एक बीजपत्री द्विबीजपत्री आपको क्या है आपको पत्तियों में अंतर। ओके, और एक बीजपत्री द्विबीजपत्री जड़ों में अंतर, फिर आपको एक तने में मिलेगा, तीनों हैं तो तीनों क्या है लास्ट ईयर में क्या हुआ था आपके तीनों में अलग अलग आए थे और तीनों सेट में। ओके, इसलिए आपको तीनों तैयार करना है, कोई भी आपके में आ सकता है। ओके, तो ये आपका एक बीजपत्ती व द्विबीजपत्ती तने में अंतर। ओके, इसकी इंश्योर आप ले लीजिए, इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो ये आपका दिया मैंने बताया पत्तियों मतलब पत्तियों में अंतर। ओके, एक बीजपत्ती व द्विबीजपत्ती में तीन अंतर आपको तैयार करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके आगे मैं आपको जड़ का दिखा देता हूँ। तो ये है आपका एक बीजपत्ती, द्विबीजपत्ती, जड़ में अंतर। ओके, जड़ तना पत्ती तीनों में आपको तैयार कर लेना अंतर। ओके, कोई भी आपको देखने को मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने आपको बता दिया अलग अलग साइड में अलग अलग रख दिया था। ओके, नेक्स्ट आपका जाता है अध्याय सात, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, इससे भी देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है दोस्तों आपका कैचू में आपको कह विखंडों के नामांकित चित्र। ओके, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, इसका थोड़ी सी डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। ओके, इसमें डायग्राम बस दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका कोशिका जीवन की इकाई। इस अध्याय से दोस्तों आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने चाहिए। ओके, तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है माइक्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है, ये आपको तैयार करना है। ये भी आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट इसका फास्ट ही ले लीजिए। इसके आगे चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपको नेक्स्ट तैयार करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्या है, लगातार तीन सेटों में आया था पिछले साल के पेपर में, प्रोकैरियोट व यूकैरियोट कोशिका में कोई तीन अंतर लिखिए। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका पहला पॉइंट हो जाता है। चलिए इसके आगे अब आपको दिखा देता हूँ, इसके आगे आपका पूरा अंतर ये दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट देख लेते हैं कौन सा आपको तैयार करना है। तो इसके आप दोस्तों आपको क्या है आपको पादप कोशिका का नामांकित चित्र, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको प्रैक्टिस करके जाना है, और साथ ही आपको मैंने आपको पुष्प का भी आपको बता दिया है। ओके, उसका भी आपको तैयार कर लेना है, पुष्प के अंदर काट कर। ओके, नेक्स्ट आपको तैयार करना है पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर, आगे मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हुआ था, आगे देख लेते हैं अध्याय नौ, जैव अणु। ओके, तो इससे भी अपन देख लेते हैं कौन से आपको इसमें तैयार करने चाहिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपन चलते हैं अध्याय दस में, कोशिका चक्र व कोशिका विभाजन में। ओके, तो इससे भी अपन देख लेते हैं, इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में कोई तीन अंतर, आपको इसमें आपको तैयार कर लेना है समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में आपको अंतर तैयार कर लेना है। ओके, आपके दो नंबर तीन नंबर में भी आ सकता है, इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, तीन नंबर में हाई चांस रहते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है अध्याय 11 और अध्याय 12 आपका हट चुका है। ओके, इस साल डिड्यूस हो चुका है, तो अध्याय 13 जाता है प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण में आपको तैयार कर लेना है, इस चैप्टर से आपका क्या है 5 नंबर का आता है, तो इससे आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है आपको अध्याय 14 पादप में श्वसन। ओके, तो इससे आपको मैं आपको बता देता हूं, तो इसमें आपको तैयार कर लेना है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, इसमें बहुत ही इसमें डायग्राम के रूप में समझाया गया है, हार्ड है। ओके, तो आपको ईजी मिले तो आपको तैयार कर लेना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका आता है, इसलिए अच्छे आपको तैयार कर लेना है ग्लाइको की क्रिया का आपको स्पष्ट करना है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है किण्वन क्रिया के तीन महत्व लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, किण्वन क्रिया के तीन महत्व ये आपको तैयार कर लेना है। ओके, इसके बाद इससे अध्याय अब 5 नंबर का आता, तो मैं आपको 5 नंबर के आपको अलग से टिक लगवाऊंगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं आपका अध्याय 15 आ जाता है पादप वृद्धि। ओके, तो इससे देख लेते हैं, तो इसमें दोस्तों आपको तैयार कर लेना है जिब्रेलिन हार्मोन के आपको तीन कारण आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये आपका दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंश्योर आप ले लीजिए। साथ ही आपको दोस्तों क्या है ऑक्सिन हार्मोन के तीन कार, जिब्रेलिन हार्मोन के तीन कार और ऑक्सिन हार्मोन के तीन कार आपको तैयार कर लेना है, कोई भी आपसे दोनों में से पूछा जा सकता है। ये आपके दिए हैं ऑक्सिन हार्मोन के कार, ये आपके जिब्रेलिन हार्मोन के कार, इसकी इंश्योर आप इसका फास्ट ही लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको एफसिस अम्ल के तीन कार, तीनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये आपके दिया हुआ है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका अध्याय 17 आ जाता, तो मैंने आपको अध्याय 16 आपका हट चुका है। ओके, फिर अध्याय 17 आ जाता है, अध्याय 17 यहाँ से आपकी क्या है पांचवी यूनिट स्टार्ट हो जाती है, और पांचवी यूनिट से आपका आना नहीं है तीन नंबर को। ओके, तो इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्या है आपकी क्या है पूरे प्रश्न बैंक से तीन अंक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिए हैं, आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ ही दोस्तों अनुराग साड़ी क्लासेस के सभी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपकी आगे सहायता हो सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।